ओ भट्ट साहब, इन्ना नेरा मेरे बूथे उपर नहीं है जिन्ना तुसीं कमरे विच पाया मारे। वो घट्टो घट कोई बत्ती के आन करो, लाइट के बालो। लाइट की मार गोली, इन्हें तो पखा भी बंद करी उड़ेदा। ओ भट्ट साहब, आज तुंदी सालगिरह, इन्नी खुशी का मौका है। ना डीजे ना स्पीकर, उपरों वाली सर्दियां भी शुरू हुई थी, तुसीं ते पखे दे भी संगी मरोड़ी उड़ी दी है। क्या करना है पंखा ऑन करके? पंखे से मुझे सर्दी लगती है, और जब सर्दी होती है जुकाम आ जाता है, और नाक से वो निकलता है ना, क्या बोलते हैं उसको? ओ भट्ट साहब, लेम्ब। हाँ, इसको अपना नाम पूरा पता है, लेम् ब। उसी की बात करो, क्या करना है पंखा ऑन करके। अच्छा भट्ट साहब, पखा रहने दो, तुम दिन जो माल निकलता रहा नी, ऐसे काम करने उस साइड बेहन ए सी ला लेने। ओ नहीं नहीं, एसी क्यों लगाना है? एसी से जोड़ों में दर्द होती है, एसी नहीं लगाना है। ओ मारे जोड़े दर्द होता है, खरोड़े का सूप पियो ना, एसी का नहीं बंद कीते दा, पसीना पता नहीं कुत्थों पुछी जाता है, कहां कहां पहुंच गया है। और वैसे भी यार, मैं तो वेजिटेरियन हूं, खरोड़े में खाता नहीं। क्यों बहाने लगा रहे हो भाई साहब? बात ऐसी है, इन्होंने सुबह सुबह देख लिया है बिजली का बिल, तब से बैठ गया है इनका दिल। बिजली के बिल ने इनको ऐसा लगाया टुच, ऑन नहीं कर रहे बिजली का एक भी स्विच। अरे स्विच मैंने सारे बंद कर दिए, लेकिन एक स्विच में बंद नहीं कर पाया इसके मुंह का। और ये तेरी वजह से बिल आया, जो तो एसी में आराम से बैठी रहती है, बाहर से चलाती रहती है, उसकी वजह से इतना बिल आया घर का। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से? टीवी देखते रहते हो पूरा दिन। तो क्या उससे बिल आता है? तेरी वजह से प्रेस लगाते रहते हो बार बार। प्रेस तो ले आती है बालों पे, बाल स्ट्रेट कर। ओए मनहूस लेम्ब, तू क्यों रो रहा है? एनिवर्सरी है, मर थोड़ी गए। क्या भट्ट साहब, बिजली वाले सारी बत्ती कट उड़ी, हुण मेरी इको आस सी कि तुंदे घर आइए, एक घंटा रेस्ट करगा, एसी दी हवा लैगा, लेकिन हुण मेरी वो भी आस मुक्की गई। एसी से छोड़ो तो मैं पक्की बिंदी आ गए। ओ चुप कर यार। ओ भट्ट साहब, परजाई अपनी अपनी लड़ाई मुकाओ, ते चुप करिए, सोलाइजर कंपनी दा सोलर पावर प्लांट लुआओ, दबिए सोच दवाओ, ते बिजली दे बिल कोलू छुटकारा पाओ। अच्छा, सोलाइजर कंपनी का सोलर पावर प्लांट? हाँ। ये क्या चीज है? ओ भट्ट साहब, एक सोलर पैनल तुंदे छत पर लगना, जिन्हें सूरज की रोशनी की बिजली च कन्वर्ट करी उड़ना, और उस बिजली की तुस आम बिजली आंगर अपने घर इस्तेमाल कर सकते हो। अरे क्या बात है यार। हाँ, और सब तो बड़ी गल, सोलाइजर कंपनी गवर्नमेंट अथराइज्ड कंपनी है, इन्हें सब्सिडी भी देनी जे। सब्सिडी भी मिलेगी? हाँ, 50% तू 65% तक। ये तो बहुत अच्छी चीज है। एक काम करने हैं भट्ट साहब, तुस मेरे कार चलो, मैं तुसें अपने छत उपर दसन सोलर पैनल किया लगे दा, और वो कम किया करता है, आखिरकार पैसे की बचत की गल है। तो इंतजार किस बात का, अभी चलो ना। चलो। ते भट्ट साहब, ये है वो जादुई पैनल जिन्होंने मेरी बिजली का बिल जीरो कर दिया। अरे वाह शर्मा साहब, ये तो काफी बड़ा है। हाँ। मुझे एक बात बताइए, अगर इसको टच करेंगे कहीं करंट तो नहीं लगेगी? क्योंकि बच्चे छत के ऊपर अक्सर खेलते हैं, अगर ये छत के ऊपर लगा है तो बच्चों को करंट पड़ने का भी डर होता है। भट्ट साहब बिल्कुल नहीं घबराओ, ये बिल्कुल शॉक प्रूफ होता है, यदि पूरी प्रॉपर तरीके से अर्थिंग हुई दी है। क्या बात है, और अगर मुझे भी अपने घर पे लगवाना है, क्या इतना ही बड़ा लगेगा क्या ये? भट्ट साहब को ना किया है, तुसे सोलाइजर कंपनी से फोन करना है, ठीक है? उनके इंजीनियर तुंदे घर आने, फिर उन्हें बिजली का लोड और तुंदी कंजप्शन के हिसाब से डिसाइड करना है कि तुंदे घर कितने किलो वाट का सोलर लगेगा। शर्मा साहब, मुझे कल दसो, तुंदी स्कीम से भी बड़ी पसंद आई है, लेकिन कुसे को अगर इकट्ठे पैसे नहीं हो वो क्या करे? पीटर साहब, भट्ट साहब, सानू एदी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सोलाइजर कंपनी दा बैंक्स कन्ने टाई अप है, तुस इस पैनल की खरीदने वास्ते बैंक दा लोन अवेल कर सकते हो, और जेड़ा इस बिजली दा बिल भरा करना है इन्ना उदी जगह से दी ईएमआई दे उड़ने आ, 1.5-2 साल बाद जुले केस खत्म होग, पैनल भी साड़ा ते बिजली भी फ्री। वाह शर्मा साहब, ये सोलर प्लांट तो मैं घर पर जरूर लगाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये सोलाइजर कंपनी कहां की है? अगर ये मेरा सोलर प्लांट खराब हो गया तो फिर मैं उनको कहां ढूंढता रहूंगा? भट्ट साहब एदी भी टेंशन मत लाओ, सोलाइजर कंपनी मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है, ओरिजिनल कंपनी है। मतलब ये जम्मू कश्मीर वालों की कंपनी है? हाँ। अच्छा, और ये ऑल ओवर जम्मू कश्मीर च मोर देन 300 ये जो पैनल है इंस्टॉल कर चुकी है। तो मुझे एक बात बताइए, इनको ऑफिस कहाँ पर है? मैं वहां पर जाना चाहता हूँ। भट्ट साहब ऑफिस के लिए जाना, तुसे एक नंबर नोट करो, सिर्फ तुसे कॉल करनी है ते इंजीनियर तुंदे घर आई जाने। अच्छा, 9103996176। ठीक है जी। और भट्ट साहब, पीटर साहब, एक चीज का और ध्यान रखियो, ज्यादा डिले नहीं करियो, ये जड़ी सब्सिडी वाली स्कीम है ना, ये कुछ 15-16 दिन वास्ते बची दी है। अच्छा, अच्छा। हाँ। मतलब उसके बाद ये सब्सिडी वाली स्कीम भी नहीं है? सब्सिडी वाली स्कीम खत्म। अरे मैं आया, अभी आया। हेलो। हाँ जी भट्ट साहब, तो चलिए मेरे लिए। भट्ट साहब ते पीटर साहब चली ना सोलाइजर कंपनी की फोन कर, तो मैं ते आखा ना तुस भी अपना अपना फोन चुको ते इस नंबर पर कॉल करो, ये सोना जिया सोलर पैनल लुआओ ते पूरी उम्र मुफ्त दी बिजली पाओ।